नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरा इस चैनल पर। दोस्तों, अभी जो आपने साउंड सुना वो था विंडोज 11 का स्टार्टअप साउंड। जी हाँ, विंडोज 11 इज रियल एंड एज फार एज सोर्सेस आर कंसर्न्ड अगले हफ्ते जो है ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, हमेशा की तरह जो है विंडोज मीन्स जब भी नया वाला विंडोज आता है वो ऐसे ही कहते हैं कि ये जो है हमारा आखिरी विंडोज है, इसके बाद जो है कोई नया वर्जन नहीं देखने को मिलेगा। विंडोज 8 के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, विंडोज 10 के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था एंड आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि जब मैंने लैपटॉप लिया दोस्तों, जब जो है फ्री अपग्रेडेशन का जो रहता है दोस्तों वो मेरे हाथ से निकल चुका था। सो एनी वे आई मैनेज्ड इट एनी हाउ। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कुछ विंडोज 11 की जो है लीक्ड फोटोज यहाँ पे आप लोगों के सामने आई है। विजुअल चेंजेस जो है काफी ज्यादा अच्छे हुए हैं, बाकी अंदरूनी चेंजेस क्या क्या है दोस्तों वो जब एक्चुअल में विंडोज आएगी तभी जो है पता लग पाएगा। एज ऑफ नाउ एंजॉय करें ये कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैंने आप लोगों के लिए जुगाड़ के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो स्क्रीन होती है अपनी होम स्क्रीन वो यहाँ पे लगभग आपको ऐसे दिखने वाली है। ठीक है, विजुअल चेंजेस काफी ज्यादा अच्छे किए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों। वैसे विंडोज 11 प्रो वाले भी कुछ यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट्स रखे गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है लगभग थोड़ा बहुत आप लोगों का सेम ही यहाँ पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो फोल्डर का जो वो बना आता था, आइकन बना आता था, कितना बोरिंग सा रहता था। लेकिन अब आप देख पाएंगे कि फोल्डर का आइकन जो है कितना अच्छा है, डाउनलोड्स का आइकन भी एकदम मतलब इन्होंने ऐसे बना के रखा हुआ है जैसे मोबाइल एप्स में होता है ना, वैसे ही इन लोगों ने जो है यहाँ पे करके रखा हुआ है। वीडियोज का भी जो आइकन है काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। ये सब अच्छी चीजें हैं, बट मीन सब ये मान के चलिए दोस्तों कि थोड़ा विंडोज 10 जो है उसके ऊपर विजुअल एस्थेटिक्स को अच्छा खासा बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर। उस कारण से जो है मीन्स ये काफी ज्यादा अपीलिंग बहुत सारे लोगों को लगेगी, और अच्छी चीज तब होगी जब विंडोज 10 यूजर्स को जो है ये विंडोज 11 फ्री में जो है अपग्रेड कराने को मिलेगी। फॉर आई थिंक अगर अभी लॉन्च होती है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद से दिसंबर तक का जो टाइम है विंडोज दे सकती है। एंड बाय द वे, विंडोज 10 का जो टाइम है सपोर्टिंग का वो आप लोगों को 2025 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है हर साल, हर बार जब भी नया विंडोज का वर्जन आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सर्च आप ऐसे कर सकते हैं, सेटिंग का आइकन भी जो है प्रॉपर सेटिंग जैसे दिया गया है, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी है, फोटोज भी है, और ये कुछ दोस्तों डुअल स्क्रीन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नो, इट्स नॉट डुअल स्क्रीन, इट्स जस्ट कि जो विजेट्स हैं वो खुले पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, टेम्परेचर देख पाएंगे, सेंसेक्स देख पाएंगे यहाँ पे, निफ्टी देख पाएंगे, वेदर देख पाएंगे, टॉप स्टोरीज आप यहाँ पे देख पाएंगे। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वैसे। फिर यहाँ पे बारी आती है दोस्तों एक्सबॉक्स की। ठीक है, तो एक्सबॉक्स का जो भी कुछ इंटीग्रेशन है दोस्तों यहाँ पे विंडोज जो है काफी अच्छा से करेगी। द रीजन बीइंग इज फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से जो है माइक्रोसॉफ्ट को काफी ज्यादा अच्छे खासे पैसे आने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन बिल्कुल काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। Get your first 3 month for just $1, new member only, access 100 plus games and EA Play. तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पे निकल के आने वाली है। तो एक्सबॉक्स का एक्सपीरियंस जो है दोस्तों वो आप लोगों का काफी जो है यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों दो डिफॉल्ट थीम है यहाँ पे, पहला डिफॉल्ट थीम ऐसा है, दूसरा डिफॉल्ट थीम जो है आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मीन्स आप देख पाएंगे कि ब्लू है, ब्लू के पीछे जो है ये थोड़ा लाइट ब्लू है। फिर यहाँ पे ये आप देख पाएंगे ये भी ब्लू है, और ब्लू के पीछे आई थिंक डार्क ब्लू है, यस। फिर ये विंडोज 11 का आप कुछ यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। तो जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यूआई का यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जब आएगा तब जो है बहुत सारे फीचर्स आएंगे। ये तो सिर्फ ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि जैसे मान के चलिए आपका हाथ क्या करता है, मेरा हाथ खा सकता है ना, दैट इज जस्ट वन फीचर फ्रॉम द इनफाइनाइट फीचर। तो वैसे ही कुछ मैं फीचर आप लोगों के लिए यहाँ पे ला के रख रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे जो है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे स्क्रीन भी आप यहाँ पे बना पाएंगे, तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। इतना ही था दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, जस्ट टू लेट यू नो दैट कि विंडोज 11 इज अप हियर एंड दैट इज एक्साइटिंग मी। वैसे मेरा कुछ लेना देना है नहीं दोस्तों, मेरे कुछ उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है विंडोज 11 से। लेकिन क्या है, जब आप अपने लैपटॉप पे देखते हैं कि मींस यस, एक अपडेट आ चुका है 5 GB का, 6 GB का, एंड यू स्टार्ट अपडेटिंग इट, एंड दैट गिव्स ए फीलिंग ऑफ लाइक कि कुछ तो नया हो रहा है जीवन में। ठीक है, एंड इट्स जस्ट लाइक ए प्राइज है ना, इट्स जस्ट लाइक ए गिफ्ट।
मान के चलिए गिफ्ट आप लोगों को मालूम है कि आपको जो है गिफ्ट मिलने वाला है, चाहे दोस्तों से फैमिली से, लेकिन वो एक्साइटमेंट अंदर रहती है कि यस गिफ्ट मिलने वाला है। तो वैसे ही कुछ विंडोज 11 अपडेट का भी है, ठीक है। आप अपडेट करेंगे तब तक जो है आपके मन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी कि क्या कुछ नए फीचर्स है। रियलिटी यही है कि एक दो दिन में जो है आपको उसके सारे फीचर्स समझ में आ जाएंगे एंड यू विल रीच टू ए कंक्लूजन, यार ये तो सेम विंडोज 10 के जैसा ही है विथ थोड़े बहुत विजुअल चेंजेस। बाय।